Dear student, welcome again in your computer class. आज के computer class में आप सभी का पुनः स्वागत है. आज आप इस video में multiplexer तथा संचार माध्यमों यानी communication mediums का अध्ययन करेंगे. बहुत आसान है ये, इसमें बहुत कुछ difficulty नहीं है. केवल आप जब पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर पढ़ने के साथ थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही वीडियो समाप्त होगा तो यह पूरा हम वादा करते हैं कि आपको ये मल्टीप्लेक्सर क्लियर हो जाएगा तथा कम्युनिकेशन मीडियम भी क्लियर हो जाएगा. तो आइए चलते हैं सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर के तरफ. इसका नाम ही है मल्टी. मल्टी का मतलब तो आप समझते ही होंगे. मल्टी का मतलब क्या होता है? वन टू मोर होता है. ये आप के लिए क्या करता है मल्टीप्लेक्सर? तो मल्टीप्लेक्सर पर आगे बढ़ने से पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, सेंडर और रिसीवर, आप बिल्कुल मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें कौन सेंडर होता है और कौन रिसीवर होता है, इसका बिल्कुल आप अंतर कर पाते होंगे. यदि आप कुछ सूचनाएं बोल कर प्रेषित कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप क्या हैं? सेंडर हैं. और आप द्वारा भेजी गई सूचनाएं जो प्राप्त कर रहा है वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? रिसीवर होगा. तो जरा सोचिए कि ऐसे सेंडर और ऐसे रिसीवर की संख्या कितनी होगी, कितनी हो सकती है? ऐसे सेंडर और रिसीवर की जो संख्या है वह बहुत होती है. तो यह बात तो क्लियर हो गई कि ऐसे सेंडर और रिसीवर की संख्या बहुत होती है. तो क्या जितनी संख्या में सेंडर और रिसीवर होते हैं क्या उतनी संख्या में संचार माध्यम भी उपलब्ध होते हैं? नहीं, उतनी संख्या में संचार माध्यम उपलब्ध नहीं होते हैं. तो आज का ये जो टॉपिक है जो मल्टीप्लेक्सर पर आधारित है, इसी समस्या पर आधारित है और इसी समस्या को हम मल्टीप्लेक्सर के रूप में समझेंगे. जैसे मल्टीप्लेक्सर को पढ़ने से पहले हमने क्या बताया? मल्टी का मतलब, मल्टी का मतलब वन टू मोर, एक से अधिक को हम क्या कहते हैं? मल्टी बोलते हैं. तो यहां मल्टी का मतलब, मल्टीप्लेक्सर से क्या तात्पर्य है जरा देख लीजिए. जब बहुत सारे सेंडर होंगे, बहुत सारे रिसीवर होंगे और उनके बीच एक ही संचार लाइन होगी, एक ही संचार लाइन होगी और एक ही क्या होगी? संचार चैनल होगा. चाहे संचार लाइन कहिए, चाहे संचार चैनल कहिए, चाहे संचार माध्यम कहिए, एक ही यदि हो तो उस एकल संचार माध्यम में कैसे अनेकों अनेक की संख्या में जो सेंडर हैं एक सिरे पर, ये आपके अनेकों क्या हैं? ये आपके अनेकों आपके सेंडर हैं, अनेकों आपके ये सेंडर हैं. तो दोबारा देखते हैं, ये अनेकों आपके क्या हैं? ये अनेकों आपके सेंडर हैं, ये अनेकों आपके क्या हैं? रिसीवर हैं. और इनके बीच में जो संचार लाइन है वो क्या है? केवल सिंगल है. तो इस सिंगल संचार लाइन में कैसे इन सभी सेंडर द्वारा भेजी गई सूचनाएं प्रेषित होंगी और कैसे इसी संचार माध्यम द्वारा जो सूचनाएं आ रही हैं वह सब तक कैसे रिसीव की जाएंगी, एक समस्या है ना. ये जो सेंडर है वो संख्या में आपके क्या है? अधिक है. रिसीवर भी संख्या में क्या है? अधिक है. और उनके बीच जो संचार माध्यम है वो केवल एकल है. तो इस एकल संचार माध्यम में इन सभी सेंडरों की सूचनाओं को कैसे प्रेषित किया जाएगा और कैसे प्रेषित करने के लिए इसे पॉसिबल बनाया जाएगा, तो इसे
पॉसिबल किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके इसको पॉसिबल मल्टीप्लेक्सर द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मल्टीप्लेक्सर द्वारा। जरा देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जो हमने ये फिगर बनाया है यह मल्टीप्लेक्सर का ही बनाया हुआ है। तो जरा देखिए क्या है, इस बात को समझ रहे हैं ना, ये जो अनेक जो सेंडर है उसको हमने माना कि वो सेंडर आपके T1, T2, T3, T4, T5, यानी T का मतलब टर्मिनल, T का मतलब क्या है? टर्मिनल। ये टर्मिनल T1 है, ये टर्मिनल T2 है, ये टर्मिनल T3 है, ये टर्मिनल क्या है? T4 है, ये टर्मिनल T5 है, यानी पांच आपके सेंडर हैं। टर्मिनल का मतलब ये सीधी सी बात, यानी आपके ये क्या है? पांच सेंडर हैं। तो ये जब पांच सेंडर जब सूचनाओं को क्या करते हैं? भेजते हैं, तो ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है क्या उसको क्या कर देगा? मल्टीप्लेक्स कर देगा, उसे आपस में क्या कर देगा? एकदम बिल्कुल कॉम्प्रेस कर देगा, बिल्कुल आपस में जोड़ देगा। अब ये जोड़ने के बाद देखिए, यहां से जो है सिग्नल कहीं आ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सर जो नेटवर्किंग डिवाइस है इसने इसे क्या कर दिया? इन सबको जोड़कर उसने एक सिग्नल बना दिया। अब इस सिग्नल को मॉडेम द्वारा क्या किया जाता है? इस सिग्नल को मॉडेम द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है, और मॉड्यूलेट करने के बाद यह संचार लाइनों में क्या होता है? संचरित होता है। जितना दूर संचरित होना है उतना दूर संचरित होता है, और पुनः फिर मॉडेम द्वारा फिर क्या होता है? डीमॉड्यूलेट होता है, और डीमॉड्यूलेट होने के बाद दूसरे सिरे पर जो क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर है, उसे क्या कर दिया उसने? यानी जो ये मल्टीप्लेक्सर ने सभी टर्मिनल द्वारा भेजे गए सिग्नल को जोड़ दिया था, वहीं डी मल्टीप्लेक्सर ने जोड़े गए सिग्नल को अलग अलग रूप में क्या कर दिया? अलग करके रिसीविंग टर्मिनल को क्या, यानी जो प्राप्तकर्ता टर्मिनल है जो उसी को हम रिसीविंग टर्मिनल कहते हैं, उनको क्या करा दिया? रिसीव करा दिया। तो ये कार्य होता है किसका? मल्टीप्लेक्सर का होता है। यानी मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग का जो कार्य होता है उसमें डाटा और सूचनाओं को जो भेजने का कार्य होता है उसको सक्षम तथा उच्च गति प्रदान करने के लिए। ऐसा नहीं है केवल नेटवर्किंग स्थापित हो गई तो डाटा संचार का कार्य ऑटोमेटिक चलता रहेगा, नहीं, डाटा संचार का कार्य ऑटोमेटिक नहीं चलता है। उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको उच्च गति प्रदान करने के लिए और भी नेटवर्किंग डिवाइसें जरूरत पड़ती हैं। उन्हीं नेटवर्किंग डिवाइसों के रूप में एक जो महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है वह क्या है? मल्टीप्लेक्सर है। तो मल्टीप्लेक्सर की क्रिया को आप यहाँ पे समझ पाए हैं कि अनेक टर्मिनल द्वारा भेजे गए सिग्नल को ये क्या करता है? एक सिग्नल में बदलता है। तो जब एक सिग्नल में बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। और पुनः यह दूसरे सिरे पर यह क्या करेगा? उस एक सिग्नल को विभिन्न सिग्नलों में फिर, उनके मूल सिग्नलों में फिर क्या करेगा? बदलेगा। तो उसे क्या कहेंगे? डी मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डी मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। तो इस प्रकार से मल्टीप्लेक्सर की क्या परिभाषा हुई? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा एकल नेटवर्किंग डिवाइस है, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा एकल नेटवर्किंग डिवाइस है जो विभिन्न टर्मिनल द्वारा प्रेषित किए गए सिग्नल को एक सिग्नल में क्या कर देता है? बदल देता है। एक सिरे पर विभिन्न टर्मिनल द्वारा प्रेषित किए गए सिग्नल को एक सिग्नल में क्या करता है? बदल देता है। और पुनः फिर दूसरे सिरे पर इस क्या है? इस मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल को, इस मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल को विभिन्न मूल सिग्नलों में बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डी मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। यानी एक सिरे पर जो मल्टीप्लेक्सर होता है वह मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य करता है, और दूसरे सिरे पर वह डी मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य करता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ? मल्टीप्लेक्सिंग में एक सिग्नल
विभिन्न सिग्नलों को एक सिग्नल में बदला गया, और डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ, एक सिग्नल को विभिन्न सिग्नलों में बदला गया, जिसे हमने कहा डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो यह क्रिया होती है किसकी, मल्टीप्लेक्सर की होती है। मल्टीप्लेक्सर के अलावा भी और भी बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसें होती हैं, जैसे डेटा कंसंट्रेटर, स्विच, हब, राउटर, ये बहुत सारी डिवाइसें होती हैं, और इन सब का प्रयोग करके नेटवर्किंग में डाटा को क्या किया जाता, उच्च गति प्रदान किया जाता है। यदि नेटवर्किंग में डाटा की उच्च गति प्रदान नहीं की जाएगी तो हमको बहुत धीमी गति से सूचनाएं प्राप्त होगी, और बहुत धीमी गति से हम सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, भेज पाएंगे, जिसके कारण नेटवर्क की उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी नेटवर्किंग की उपयोगिता को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, नेटवर्किंग डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, ऐसा मत समझिए कि मॉडेम आपका नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, मॉडेम भी आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ये दो आपके मल्टी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, जिसमें आपका मल्टीप्लेक्सर आया, मॉडेम आया, इसके अलावा स्विच है, हब है, राउटर है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग डिवाइसों को, यदि लगे कि ये स्विच या राउटर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन आज जो नेटवर्किंग डिवाइसों की बात हम करते हैं, उनमें ये मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम, स्विच, राउटर, हब, ब्रिज, गेटवे, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसें होती हैं, जिनका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क को बनाए रखने तथा उसे उच्च गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। उसमें सिक्योरिटी की भी बात आती है, सुरक्षा की भी बात आती है, तो उस दृष्टिकोण से भी नेटवर्किंग डिवाइसें क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। तो ये आपको मल्टीप्लेक्सर समझ में आया होगा, बिल्कुल एक बार पुनः फिर देख लीजिए, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी एकल नेटवर्किंग डिवाइस है जो अनेक टर्मिनल द्वारा भेजे गए सिग्नल को एक सिग्नल में एक सिरे पर, यानी अनेक टर्मिनल द्वारा भेजे गए सिग्नल को एक सिग्नल में तथा फिर पुनः दूसरे सिरे पर यह एक सिग्नल को उसके विभिन्न मूल सिग्नलों में क्या करता है, परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी मल्टीप्लेक्सर एक सिरे पर मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य करता है तथा दूसरे सिरे पर क्या करता है, डी मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य करता है। और जब ये मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग तथा डी मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य करता है, तभी एकल संचार लाइन में, ये जो सिंगल संचार लाइन होती है, उसी संचार लाइन में ये सूचनाएं क्या होती हैं, भेजी जाती हैं। यदि यह मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य नहीं होता तो अनेक टर्मिनल द्वारा जो सूचनाएं आ रही हैं वह एक साथ एक ही संचार लाइन में नहीं भेजी जा सकती। तो इसे किसके द्वारा संभव बनाया जाता है, तो इसे मल्टीप्लेक्सर द्वारा संभव बनाया जाता है। अब जो है मल्टीप्लेक्सर की जो क्रिया है वह कितने प्रकार से होती है, जरा उसको देख लिया जाए। मल्टीप्लेक्सिंग की जो क्रिया होती है वो तीन प्रकार से होती है, यानी मल्टीप्लेक्सर का कार्य तीन प्रकार से होता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और तीसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बिल्कुल आसान है, जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम FDM, F मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को SDM कहते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम TDM कहते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी इस मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी जो डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग की क्रिया होती है वो मूल रूप से किस पर होती है, फ्रीक्वेंसी इस पर होती है, टर्मिनल की यो जो मतलब सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके आधार पर होती है। किसके आधार पर, सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी, जो तीव्रता होती है उसके आधार पर ये डिवीजन होता है। सीधी सी बात, जब
फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिवीजन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। जब स्पेस के आधार पर डिवीजन हो तो उसे हम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, और जब टाइम के आधार पर डिवीजन हो तो उसे हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लेक्सर क्या है तो सीधे लिखेंगे, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा एकल संचार माध्यम है जो एक सिरे पर अनेक टर्मिनल द्वारा भेजे गए सिग्नल को एक सिग्नल में तथा पुनः फिर दूसरे सिरे पर क्या करता है, एक सिग्नल को उसके विभिन्न मूल सिग्नलों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और मल्टीप्लेक्सर द्वारा किए जाने वाले कार्य को मल्टीप्लेक्सिंग तथा डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो यह मल्टीप्लेक्सिंग की बात हुई। मल्टीप्लेक्सर जो है कितने प्रकार से कार्य करता है, तीन प्रकार से कार्य करता है, वह है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये रहा आपका क्या, मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर के बाद हम चलेंगे संचार माध्यम के तरफ, किसके तरफ चलेंगे, संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन मीडियम के तरफ चलेंगे। अब हम कम्युनिकेशन मीडियम की बात करते हैं। संचार माध्यम को आपने पढ़ा होगा, संचार माध्यम वे माध्यम होते हैं जो सेंडर और रिसीवर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इन्हीं संचार माध्यमों द्वारा सूचनाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होती हैं, संचरित होती हैं। तो डाटा संचरण का जो कार्य होता है मुख्य रूप से वह किसमें होता है, कम्युनिकेशन मीडियम्स में होता है। किसमें होता है, कम्युनिकेशन मीडियम यानी संचार माध्यमों में होता है। अब ये जो संचार माध्यम है, और एक बात और याद रखिएगा, संचार माध्यमों में जो सिग्नल का प्रवाह होता है वह किस सिग्नल के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहते हैं। तो ये जो संचार माध्यम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये संचार माध्यम आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है तार माध्यम और दूसरा होता है बेतार माध्यम। पहला क्या होगा, तार माध्यम, और दूसरा क्या होता है, बेतार माध्यम। जितने भी तार माध्यम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायर्ड या फिजिकल मीडियम कहते हैं। वायर्ड, वायर्ड मतलब तार, समझ में आ रहा होगा यह वर्ड आपको। वायर्ड और फिजिकल मीडियम को हम कहते हैं तार माध्यम। तार माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं, उसके अंतर्गत सभी तार वाले ही माध्यम होंगे, जिसे हम ट्विस्टेड तार युग्म कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल कहते हैं। बेतार माध्यम, बेतार माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें डाटा संचार क्या है, तार या तंतु द्वारा नहीं होता है। अभी जस्ट इसके बाद हम दोनों में अंतर कराएंगे, तार माध्यम क्या है, बेतार, आपको क्लियर हो जाएगा, इन दोनों में अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो तार माध्यम में ये तीन तरह के संचार केबल आते हैं। बेतार माध्यम में सबसे बड़ा जो माध्यम है वह संचार उपग्रह सैटेलाइट होता है, जिसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, और दूसरा होता है माइक्रोवेव सर्किट। सबसे ब्रॉड जो रूप है वह है आपका सैटेलाइट ही होता है, जो कि बेतार माध्यम के अंतर्गत आता है, वायरलेस मीडियम्स के अंतर्गत आता है। अब चलिए अब जरा सा अंतर करते हैं तार माध्यम और बेतार माध्यम, तार माध्यम और क्या है, बेतार माध्यम। जो तार माध्यम होते हैं, जो तार माध्यम होते हैं, इसमें डाटा का जो संचार होता है वो किस में होता है, तार या तंतु में होता है। यानी ये केबल होता है, ये केबल होता है, इस केबल के अंदर जो है ये कॉपर का वायर होता है, इसी कॉपर वायर को हम क्या कहते हैं, तार या तंतु कहते हैं। या आप कहिए तो ये पूरा जो है केबल को ही आप तार या तंतु कहिए। तो जब भी इन तार माध्यमों में जो संचरण होगा वह किसमें होगा, डाटा का जो संचार होगा वह हमेशा किसमें होगा, तार या क्या होगा, तंतु में होगा। किसमें होगा, तार या तंतु में होगा। तो सबसे मूल बात हुई कि तार संचार माध्यमों में डाटा का संचार तार या तंतु में होता है, तो बेतार माध्यम में क्या होता है,
बेतार माध्यम में डाटा का संचार कैसे होगा? तो बेतार माध्यम में जो डाटा का संचार होता है वह तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में? तरंगों यानी वेव्स के रूप में होता है। यानी इस बेतार माध्यम में क्या होता है, किसी ट्रांसमीटर द्वारा तरंगों को स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, आकाश में छोड़ दिया जाता है और पुनः फिर उन सिग्नलों को रिसीवर द्वारा ग्रहण करके उस प्रकार की डाटा को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यह जो व्यवस्था होती है वह क्या होती है, बेतार माध्यम में होती है। यानी इसमें डाटा का जो संचार होता है वह स्वतंत्र रूप से तरंगों के रूप में होता है। ये पहला अंतर हुआ तार और बेतार में। बेतार मतलब बिना तार के, अब तार मतलब तार के साथ। तो इसमें डाटा का जो संचार होता है उसमें तार या तंतु की सहायता से होता है। इसमें जो डाटा का संचार होता है वह बेतार माध्यमों द्वारा होता है, यानी तरंगों के रूप में होता है। अब देखिए दूसरा अंतर, जो तार माध्यम होते हैं इसमें जो भी रिसीवर और सेंडर होते हैं या सेंडर या रिसीवर होते हैं वे निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, वे चलायमान नहीं हो सकते, वह निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जबकि बेतार माध्यम में जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वे क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, मोबाइल होते हैं, गतिमान होते हैं। इसमें क्या गतिमान हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तार माध्यम है। तार को आप कहाँ लेकर के कहाँ कहाँ घूमेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें जो भी सेंडर या रिसीवर होगा वो स्थिर होगा, इसमें क्या होगा, अस्थिर होगा बिल्कुल, चलायमान होगा बिल्कुल, वो गतिमान होगा, वो गति करते हुए भी घूमते हुए भी, जैसे मोबाइल है हमारी, इसमें हम जो भी हम सूचना भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है, हम चलते फिरते जैसे तैसे हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बेतार व्यवस्था द्वारा जुड़ा हुआ है, बेतार संचार माध्यम द्वारा जुड़ करके इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि बेतार क्या है। इसमें जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वह बिल्कुल क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो यह बात तार और बेतार माध्यम में आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं कि केवल हम तार का प्रयोग करते हैं बेतार का प्रयोग नहीं करते हैं, या बेतार का प्रयोग करते हैं तार का नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं। इन दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम संचार व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। पूरे विश्व में जो डाटा संचार की व्यवस्था है इन दोनों माध्यमों पर आधारित है। कहीं तार माध्यमों का प्रयोग हो रहा है तो कहीं बेतार माध्यमों का प्रयोग हो रहा है। जहां तार माध्यमों का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहां बेतार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, इसमें तीसरी जो बात है, डाटा संचार में कोई आपकी क्या है, प्राकृतिक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जबकि इसमें क्या है, इसमें उत्पन्न होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। ये तीसरी बात है, किस पर, तार और बेतार माध्यम पर। तो दोनों बात बिल्कुल कंफर्म हो गई, किन स्थितियों में हम तार माध्यम का प्रयोग करते हैं और किन स्थितियों में हम बेतार माध्यम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं तार माध्यम, जो तार या तंतु होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो ये मात्र तीन प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वह ट्रेस्टेड तार युग में है, यानी आपस में लिपटे हुए तारों के युग्म को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड वायर पेयर्स केबल कहते हैं। टेलीफोन लाइनों में खास करके इसी प्रकार का केबल प्रयोग किया जाता है। तार प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्विस्टेड तार युग्म कहते हैं। ये आपस में लिपटे हुए होते हैं, आपस में बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से
ऐसे 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 इस प्रकार से ऐसे लिपटे हुए होंगे, ये ऐसे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे इस तरह से संरचना बन रही है आपकी। ये संरचना जो बन रही है ये बिल्कुल किसकी है, ट्रस्टेड तार युग्मों की, यानी आपस में बिल्कुल उलझे हुए होंगे, आपस में उलझे हुए तारों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं, ट्रस्टेड तार युग्म कहते हैं। जिसकी इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, डाटा संचार के लिए उपलब्ध जो तीव्रता होती है उसी तीव्रता को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। और जिस संचार केबल का बैंडविड्थ जितना अधिक होगा उसमें उतनी ही तेज गति से डाटा क्या की जा सकती है, संचरित की जा सकती है। तो यहाँ एक बात आई है, यहाँ मैंने लिखा है 9600 बीपीएस। बीपीएस क्या है, डाटा संप्रेषण की दर, संचार लाइनों द्वारा डाटा संप्रेषण की जो दर होती है उसे मापा जाता है किसमें, बीपीएस में, उसकी एक इकाई हो, तभी तो हम समझेंगे कि किस संचार लाइन की संप्रेषण गति कितनी अधिक है। तो उसमें उसे हम मापते हैं बीपीएस में, बीट पर सेकेंड, जिसे संक्षिप्त में बॉड कहते हैं। तो बीपीएस सबसे छोटी इकाई हुई, बीपीएस के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, केबीपीएस होगा, केबीपीएस से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एमबीपीएस होगा, एमबीपीएस से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जीपीएस होगा, जिगाबाइट पर सेकंड होगा। तो ये क्या है, डाटा संचार की दर को मापने की इकाइयां हैं। तो ट्विस्टेड तार युग्म का जो डाटा संप्रेषण दर होता है वह केवल 9600 बीपीएस होता है, वह केवल क्या होता है, 9600, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कम होती है, जिसके कारण बिल्कुल 9600 बीपीएस की दर से ही बीट 9600 बीट पर सेकंड के ही दर से डाटा क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह इसकी संचरण दर होती है ट्विस्टेड वायर पेयर की, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से टेलीफोन लाइनों में होता है। वहीं आपका क्वैक्सियल केबल है, क्वैक्सियल केबल टीवी, केबल टीवी का नाम सुने होंगे, केबल टीवी के लिए जो केबल प्रयोग होता है वह होता है कोएक्सियल केबल। इसकी बनावट ट्विस्टेड से बिल्कुल अलग होती है। ये जो भी हम संचार माध्यमों को पढ़ा रहे हैं इसका हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, उसकी संरचना के साथ बिल्कुल आप उससे देख करके अपना नोट तैयार कर लीजिएगा। तो पहले इसे समझ जाइए कि ये क्या है। जो कोएक्सियल केबल की बनावट है वो ट्विस्टेड से बिल्कुल अलग होती है, इससे अलग होती है, ट्विस्टेड से बिल्कुल अलग होती है ये। इसमें क्या होता है कि एक आपका इसमें बीच में कॉपर वायर होता है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का मोटा खोल होता है, उसके ऊपर फिर तांबे की जाली होती है, उस तांबे की जाली के ऊपर जो है प्लास्टिक का कवर होता है। यानी ऐसी संरचना क्या है, किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न न हो डाटा संचार में, इसलिए इसकी बनावट इससे बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। अब बिल्कुल यदि आपके पास बुक होगा तो उसमें देखिए आपको एक्सियल केबल, नेट से भी आपको एक्सियल केबल को देख सकते हैं। तो ये जो कोएक्सियल केबल है इसमें बस आपको बस इतना जाने कि इसकी बनावट कैसी है, कोएक्सियल की बनावट कैसी है, फाइबर ऑप्टिक्स की बनावट कैसी है, इसकी डेटा संप्रेषण दर कितनी है, इसकी डेटा संप्रेषण दर कितनी है, और इसकी डेटा संप्रेषण दर कितनी है, बस इतना ही याद रखना, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको नोट करना है। तो कोएक्सियल केबल का प्रयोग नेटवर्क, यानी जो आपका केबल टीवी नेटवर्क होता है उस केबल टीवी नेटवर्क में किसका प्रयोग होता है, कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है, और उसकी जो डेटा संप्रेषण दर होती है वह 10 Mbps होती है, 10 Mbps होता है, 10 Mbps होता है, किसकी, कोएक्सियल केबल की। सबसे अधिक होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल की, क्यों अधिक होता है यही हम आपको बताएंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल की क्यों अधिक होती है। फाइबर ऑप्टिक्स सबसे आधुनिक केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल सबसे आधुनिक केबल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो डाटा का संचार होता है वह लाइट पल्स के रूप में होता है, इसमें होता है लाइट पल्स के रूप में होता है।
इसमें जो बाल है ना, इसी के समान फाइबर के रेशे होते हैं, और उस उन रेशों में जो डाटा का जो संप्रेषण होता है, डाटा जो संचरित होता है, वह लाइट पल्स के रूप में होता है। क्योंकि लाइट पल्स के रूप में होता है, इसलिए इसकी डेटा संप्रेषण दर इन दोनों से क्या होती है, बहुत अधिक होती है। आज जो है डेटा संचार के लिए मुख्य रूप से इस फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। ये आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, जिसमें आपकी जो बाल है उसी मोटाई के तार होते हैं जो फाइबर या ग्लास के बने होते हैं। इसके एक सिरे पर आपका फोटो डायोड होता है, एक सिरे पर ये डायोड, दो डायोड होते हैं, और यही डायोड जो है ये जो डेटा आ रहा है उसे सीधे वह किसमें बदल देता है, लाइट पल्स के रूप में बदल देता है। किसमें बदल देता है, लाइट पल्स के रूप में बदल देता है, एक सिरे पर ये जो डायोड लगा है। और दूसरे सिरे पर जो डायोड लगा है, इस लाइट पल्स के रूप में जो सिग्नल प्राप्त हो रही है उसे पुनः उसे किस में बदल देगा, मूल सिग्नल में बदल देगा, यानी मूल डाटा डाटा सिग्नल में बदल देगा, मूल डाटा सिग्नल में बदल देगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा, इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि इस केबल में जो डाटा किस रूप में संचरित हो रहा है, लाइट पल्स के रूप में संचरित हो रहा है, इसलिए इसकी डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है, डाटा ट्रांसमिशन जो रेट है, वह बहुत क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए इसे हम आधुनिक केबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक केबल। और इसकी डाटा जो ट्रांसफर रेट है वह बहुत उच्च गति की होती है, इसलिए आज इसका सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, डाटा संचार के लिए। वह है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यानी ये तीनों जो आपने केबल पढ़ा, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं, तार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं बेतार माध्यमों की। बेतार माध्यम मतलब बिना तार के जहां डाटा का संचार हो, जिस माध्यम द्वारा बिना तार के डाटा का संचार, उसे बेतार माध्यम कहते हैं। बेतार माध्यमों में सबसे पहला माध्यम आता है कौन, सैटेलाइट। कौन आता है, सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट एक ऐसा बेतार संचार माध्यम है जो बड़े से बड़े भाग में, बड़े से बड़े भाग में डाटा का क्या कर सकता है, संचार कर सकता है। और यह भी बात है कि जिस देश का ये पूरा कम्युनिकेशन जो व्यवस्था जितना स्ट्रांग होगा, वह देश विकसित देशों की श्रेणी में क्या होता है, गिना जाता है। यह जो मुख्य बात है, यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। वहां कितने अत्याधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं हम सैटेलाइट के तरफ, यानी पूरे आप देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, तो उस पूरे देश या पूरे विश्व में जो डाटा का संचार है, कोने कोने तक जो डाटा का संचार होता है, वह किसके द्वारा होता है, सैटेलाइट के द्वारा होता है। क्योंकि पृथ्वी का भूभाग समतल नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं कुछ है, कहीं समुद्र है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां केवल तार माध्यमों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहां पर तब इसका मतलब वहां डाटा संचार नहीं होगा, तो वहां के डाटा संचार के लिए बेतार माध्यमों का प्रयोग होता है। ये बेतार माध्यम के रूप में आपका पहला क्या आता है, सैटेलाइट आता है, और दूसरा होता है माइक्रोवेव सर्किट। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह होता है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में क्या कर दिया गया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, और वहीं से वह पृथ्वी पर स्थित रिसीवर को क्या करता है, सूचनाएं भेजता है। इस क्रिया में होता क्या है कि पृथ्वी पर स्थित ट्रांसमीटर द्वारा
डाटा सिग्नल को किसे भेजा जाता है? सैटेलाइट को भेजा जाता है, और फिर सैटेलाइट उस डाटा को पृथ्वी पर स्थित जो रिसीवर होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। इस प्रकार से बड़े एरिया में या संपूर्ण देश में या संपूर्ण विश्व में क्या होता है, डाटा का संचार संभव होता है। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। हम बात करते हैं ना कि कोने कोने तक जो डाटा का संचार है वह इन सभी माध्यमों द्वारा संभव नहीं है, वह केवल और केवल किसके द्वारा संभव है? सैटेलाइट के द्वारा संभव है। तो ये रहा आपका सैटेलाइट। आगे बात करते हैं माइक्रोवेव सर्किट की। माइक्रोवेव सर्किट का क्या होता है? माइक्रोवेव सर्किट क्या होते हैं? माइक्रोवेव सर्किट ऊंचे ऊंचे टावर के रूप में होते हैं। किसके रूप में? ऊंचे ऊंचे टावर के रूप में होते हैं, और इस ऊंचे ऊंचे टावर पर ये एंटीना लगे होते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका रिसीवर एंटीना है, ये क्या है आपका सेंडिंग एंटीना है, पुनः फिर ये क्या है, ये आपका जो है रिसीविंग एंटीना है, ये आपका क्या है सेंडिंग एंटीना है, फिर उसी तरह से ये आपका रिसीविंग और ये आपका सेंडिंग एंटीना है। तो यदि मान लीजिए कि ऐसे एंटीना में केवल सिंगल क्या लगा हो, ये एंटीना लगा हो, तो ये केवल क्या करेगा, ये केवल सूचनाओं को भेजेगा, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसमीटर कहेंगे। यदि केवल यह सिंगल लगा हो तो वह रिसीवर एंटीना होगा, और दोनों लगा हो तो उसे रिपीटर केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिपीटर केंद्र कहते हैं। और एक रिपीटर केंद्र से दूसरे रिपीटर केंद्र की दूरी जो है 30 किलोमीटर होती है। यानी जब इसके सिग्नल क्या होते हैं, वीक पड़ने लगते हैं, जब इसके सिग्नल क्या पड़ने लगते हैं, इस रिपीटर द्वारा जब सूचनाएं भेजी जाती हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद क्या होती हैं, वीक पड़ने लगती हैं। अब उन वीक सिग्नलों को अधिक दूरी तक संचरित नहीं किया जा सकता, तो उस दूरी जहां वीक पड़ती है उस दूरी पर फिर दूसरा रिपीटर केंद्र बैठा जाता है। तो वह रिपीटर केंद्र क्या करता है कि उस वीक सिग्नल को क्या करके ग्रहण करके उसे एम्पलीफाई कर देता है। क्या कर देता है? उसे एम्पलीफाई कर देता है, यानी उसकी तीव्रता क्या करता है, बढ़ा देता है। अब जब बढ़ा देता है तो फिर पहले रिपीटर की तरह ही दूसरा रिपीटर केंद्र से भेजा गया सिग्नल फिर उतनी ही दूरी फिर तय करने में सक्षम हो जाता है। फिर उस एक निश्चित दूरी के बाद फिर वीक पड़ने लगता है तो फिर दूसरा रिपीटर केंद्र बैठा दिया जाता है। इस प्रकार से एक बड़े एरिया में डाटा का संचार क्या होता है, संभव होता है। किसके द्वारा? माइक्रोवेव सर्किट के द्वारा। तो ये माइक्रोवेव सर्किट या सैटेलाइट है, ये किसके अंतर्गत आता है? वायरलेस मीडियम्स के अंतर्गत आता है, जबकि फाइबर कोएक्सियल और ट्विस्टेड वायर पेयर किसके अंतर्गत आते हैं? तार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया गया है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। यदि कोई समस्या होगी तो बिल्कुल आप अपने ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, फिर उस समस्या के अंतर्गत आवश्यकता होगी तो फिर आपको दूसरे रूप में कोई वीडियोस या नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस वीडियो के साथ मैं आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराऊंगा, जिसकी सहायता से आप संचार माध्यम को नोट कर लेंगे तथा उसके साथ मल्टीप्लेक्सर को भी नोट कर लेंगे। धन्यवाद।